Welcome back to my YouTube channel Browserik, and if you are new on this channel then please subscribe. So आगे बढ़ते हैं with day one functions of HackerRank, इसका solution के साथ. So as usual, first we actually need to understand कि हमारा task क्या है. So the task is to implement a function named factorial that has one parameter, an integer n, and it must return the value of n, that is n factorial. तो इसमें बेसिकली हमें फैक्टोरियल इम्प्लीमेंट करना है, बट इन द लैंग्वेज ऑफ जावास्क्रिप्ट. अगर आपको कोई दूसरा लैंग्वेज आता है, सी या फिर पाइथन, सी प्लस प्लस, तो यूजुअली हम स्टार्टिंग में जो रहता है हमारे असाइनमेंट्स, तो हम यूजुअली फैक्टोरियल से स्टार्ट करते हैं. बट इफ़ यू डोंट नो कि इसका लॉजिक क्या है, तो इसका लॉजिक समझते हैं. सो व्हाट इज़ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर? मतलब अगर हमारे पास 6 नंबर दिया है तो उसका फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? तो 6 से पीछे जाना है सारे नंबर्स को, एंड उसको मल्टीप्लाई करते जाना है टिल 1. सो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, सबको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आता है 720. सो फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720. सो दिस इज द लॉजिक कि 6 के पीछे जितना नंबर्स है उसको सबसे मल्टीप्लाई करना है. ये हमारा लॉजिक है. अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? यूजुअली इफ एल्स स्टेटमेंट या फिर लूप, फॉर लूप यूज करके. सो वी एज वी अंडरस्टूड द लॉजिक, नाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन जावास्क्रिप्ट. तो हमारे पास इनपुट क्या दिया है? 4 दिया है. यहाँ पर 6 था, हमने 6 में समझा, अभी हमारे पास 4 है. इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? 24, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 4 फैक्टोरियल का क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, विच इज़ इक्वल टू 24. अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? हमारे पास एडिटर में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं, फंक्शन भी डिक्लेयर नहीं करके दिया है. सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिएट द फंक्शन फैक्टोरियल या. सो एज वी नो हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन, लेट्स फर्स्ट क्रिएट द फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट. सो क्या लिखेंगे? फंक्शन फैक्टोरियल, क्योंकि हम फैक्टोरियल सॉल्व कर रहे हैं. अब उसमें हमारे पास वेरिएबल है n, यहाँ पे n दिया हुआ है, लेकिन लेट्स स्टार्ट विथ आर ओन कम्फर्ट, लेट्स अज्यूम इट x. यू कैन अज्यूम इट n, नो प्रॉब्लम, बट x अज्यूम करते हैं. एंड देन ब्रैकेट्स में लिखेंगे. अभी हमारा लॉजिक क्या है कि सबको पीछे से ये सबको है ना मल्टीप्लाई करना है, that is 4 into 3 into 2 into 1, लेकिन 1 तक ही मल्टीप्लाई करना. वी कैन ऑल्सो व्यू इट 1 into 2 into 3 into 4, ऑब्वियसली हम राइट से लेफ्ट भी जा सकते हैं. सो आई डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट इज इसको मैंने 1 दे दिया है. अब इसका क्या करेंगे, हम वैल्यू ना इंक्रीज करते जाएंगे, फैक्ट का वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएंगे टिल जब तक हमारा x का वैल्यू इक्वल ना हो जाए. x का वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमें दिया गया है 4. सो अभी इसको इंक्रीज करने के लिए हमें फॉर लूप चाहिए होगा. अब फॉर लूप में भी हमें जो यूजुअली i यूज़ करते हैं, राइट, फॉर लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे दैट इज़ i. इसका अभी हम इनिशियल वैल्यू नहीं लेंगे, फिर उसके बाद हम है ना फॉर लूप लेंगे. अब फॉर लूप में अभी i हमने दिया है इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे, ऑब्वियसली 0 से नहीं. अब i की वैल्यू इक्वल टू n x होना चाहिए, दैट इज 4, 4 तक जाना चाहिए ना, और फिर i को हम इंक्रीज करेंगे. अब इसके अंदर हमारा आता है मेन पार्ट, जो कि हमारा लॉजिक है. फैक्ट क्या है? फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, क्योंकि हम आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. हम मेन लॉजिक है फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई. अब आई की वैल्यू क्या है? 1. फैक्ट की इनिशियल वैल्यू क्या है? 1. तो 1 इनटू 1 इज इक्वल्स टू 1, तो फैक्ट की वैल्यू हो गई 1. अब आई प्लस प्लस 1 तो 2, सो 2 इनटू 1 गेट्स 2, फैक्ट की वैल्यू हो गई है 2. अब आई प्लस प्लस 3, सो फैक्ट क्या था हमारा? 2 इनटू 3 दैट इज 6, फैक्ट की वैल्यू ऑलरेडी 6, सो फैक्ट की वैल्यू हो गई 6. सो 6 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 24. ये हमारा फाइनल आंसर है. अब ये आंसर को हमें रिटर्न भी करना होगा, तो रिटर्न लगा देंगे हम यहाँ पर. रिटर्न
व्हाट फैक्ट, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर इज फैक्ट। अब ये तो हो गया, हमारा फंक्शन तैयार हो गया, लेकिन अब इस फंक्शन को कॉल भी तो करना होगा एग्जीक्यूट करने के लिए। सो विल जस्ट एग्जिट दिस फंक्शन फैक्टोरियल एंड उसके नीचे वी विल कॉल द फंक्शन फैक्टोरियल। सो कॉल कैसे करते हैं, फैक्टोरियल लिख दो और बस ब्रैकेट लगा दो और कॉमा लगा दो, हो गया। सो लेट्स सी इफ दिस रन्स द कोड और नॉट। सो इट सक्सेसफुली पास द टेस्ट केस। नाउ लेट्स सी इफ इट पासेस ऑल द अदर टेस्ट केसेस और नॉट। It has successfully passed all the test cases and I hope that you understood what actually this functions is and it is one of the important topics in JavaScript and I hope that you liked my video also. So please give a thumbs up and subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.